भारतीय रेलवे यात्रियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सबसे शानदार और अविस्मरणीय रेल यात्रा को माना जाता है। इसके जरिए आसान तरीके और आनंद लेते हुए आप हर जगह आराम से पहुंच सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप रेलवे के कुछ ऐसे नियमों के बारे में जानें जिनसे आप अब तक अनजान थे। जब टीटीई रात में टिकट चेक करने आता है तो हमारी नींद खराब होती है, परंतु अब ऐसा नहीं हो सकेगा। रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि अब आरक्षित टिकट को रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही आम तौर पर चेक नहीं किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के रेल यात्रियों के टिकट को यात्रा की शुरुआत में ही चेक कर लिया जाना चाहिए। अगर यात्री ने रात को 10 बजे के बाद अपनी यात्रा शुरू की हो तो टीटीई टिकट चेक कर सकता है। अगर बोर्डिंग के बाद टीटीई ने टिकट चेक नहीं किया तब भी उस परिस्थिति में भी टिकट चेक कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार आरक्षित यात्री का सामान रेलवे में चोरी हो जाता है तो वह रेलवे से अपने सामान का मुआवजा ले सकता है। इसके लिए यात्री द्वारा रेल पुलिस को एफआईआर के साथ एक फॉर्म भी देना पड़ता है, जिसमें उल्लेख किया जाता है कि यदि 6 माह में सामान नहीं मिला तो वह क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता फोरम भी जा सकता है। अगर यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो ट्रेन के आरक्षित कोच में वह यात्रा नहीं कर पाएगा। अगर वह यात्रा करता है तो उसे कम से कम 250 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और फिर अगले स्टेशन से जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ेगी। ई पेट्रोल की सुविधा सिर्फ 4 स्टेशनों दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, सीएसटी एवं मुंबई सेंट्रल ऑनलाइन बुकिंग करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप इन स्टेशनों पर 140 रुपए में 2 बेडशीट और एक तकिया किराए पर ले सकते हैं, जबकि 240 रुपए में पेट्रोल खरीद सकते हैं। 18 साल से कम उम्र का बच्चा बिना टिकट के सफर करता है तो सिर्फ उसे किराया वसूला जाएगा, न कि जुर्माना। आइए अब कुछ नए नियमों पर नजर डालते हैं। 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करते वक्त किराए का 50% भुगतान होगा और तत्काल बुकिंग टाइम भी बदल जाएगा। 1 जुलाई से तत्काल विंडो एसी कोच के लिए सुबह 10 से 11 बजे तक और स्लीपर कोच के लिए 11 से 12 बजे तक खुलेगी। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में 1 जुलाई से केवल मोबाइल टिकट ही वैध होगा। अब रीजनल भाषाओं में भी टिकट मिलेगा। वेटिंग लिस्ट होने पर ट्रेनों में सुविधा का विकल्प होगा। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाई जाएगी। सुविधा ट्रेनों में टिकट कैंसिल करने पर आधे टिकट का पैसा वापस मिलेगा। 1 जुलाई से प्रीमियम ट्रेनों का आवागमन भी बंद हो जाएगा। अब से ट्रेनों में वेकअप कॉल डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा भी दी जाएगी।